आईपीएल 2025 के लिए ऑक्शन कब किया जाएगा, आईपीएल 2025 का रिटेंशन जो है वो कब होगा, इस सवालों का जवाब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दरअसल इन तमाम चीजों को लेकर लगातार बहस चल रही है कि आखिरकार कितने खिलाड़ी किसी एक टीम का इस सीजन में हिस्सा बन सकते हैं, कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा और ये रिटेन में क्या पॉलिसी होगी, कितने इंडियन खिलाड़ी होंगे और कितने बाहर के खिलाड़ी होंगे यानी कि ओवरसीज प्लेयर कितने होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी अपडेट सामने आ रही उसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल था कि आईपीएल का ऑक्शन कब होगा, तो इसके बारे में जो खबर निकलकर सामने आ रही कि नवंबर के आखिरी में आईपीएल ऑक्शन हो सकता है, लेकिन इस बार का जो ऑक्शन है वो लंदन या दुबई में कराया जाएगा। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो ऑक्शन हुआ था, जो मिनी ऑक्शन था, वो दुबई में किया गया था। ऐसे में इस बार भी खबर है कि लगभग लंदन या दुबई में कराया जा सकता है, तो ये बड़ी अपडेट रहने वाली है। और सबसे बड़ी चीज की रिटेंशन पॉलिसी को लेकर अगर आप देखें तो अक्टूबर में इसका ऐलान कर दिया जाएगा। इसके पीछे का रीजन भी है, अक्टूबर के शुरुआत में या फिर सितंबर के आखिरी में, ये मान के चलिए, क्योंकि यहां पर नवंबर में अगर पॉलिसी बनती है, नवंबर में ऑक्शन होता है, तो उससे पहले ताकि टीमों को पता लग जाए कि उन्हें किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करना है, किनको छोड़ना है, कौन से उनके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इसलिए ये तकरीबन एक डेढ़ महीने का समय टीमों को दिया जाएगा, फ्रेंचाइजी को दिया जाएगा। लिहाजा इस महीने तक में वो डेडलाइन सामने आ सकती है। और बाकी किन किन खिलाड़ियों को आपको अपने पास रखना है, इसकी जो आखिरी तारीख है वो होने वाली है, जो खबरों के मुताबिक, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 नवंबर से पहले आपको बता देना है कि भाई हम किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करने जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें जो मामला फंसा पड़ा है रिटेंशन रूल को लेकर, क्योंकि यहां पर क्या है कि जो सभी फ्रेंचाइजी हैं वो सेम पेज पर नहीं, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई, ऐसी फ्रेंचाइजी जो ऑलरेडी सेटल है, वो नहीं चाह रही कि भाई बहुत सारे खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ जाए। उनकी मांग तो ये भी कि भाई 7 से 8 से ज्यादा खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सके। वहीं ऐसी टीमें जो बिल्कुल भी अगर आप देखें एक तरीके से सेटल नहीं हो पाई हैं, अगर दिल्ली की बात कर लीजिए या फिर पंजाब की बात कर लीजिए, वो चाहेंगे कि भाई सभी खिलाड़ियों को छोड़ो, सिर्फ 4 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर पाओ ताकि आप ऑक्शन में जाकर अपनी टीम को बेहतर बना पाओ। लेकिन यहां पर देखना पड़ेगा, जो खबर निकलकर सामने आई थी कि शायद इस बार 5 से 6 खिलाड़ियों को आप रिटेन कर सकते हैं, इसके अलावा आरटीएम के तहत भी आप अपने टीम में खिलाड़ियों को जोड़ सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि फाइनल इस पर कॉल क्या होगा। लेकिन आईपीएल से जुड़ी एक और अपडेट आपको बता दें कि पंजाब किंग्स के जो हेड कोच हैं वो बदल दिए गए हैं, वहां पर रिकी पोंटिंग जो है वो जुड़ गए हैं। ये भी अपने आप में बड़ा कॉल है, क्योंकि इससे पहले पोंटिंग जो थे दिल्ली का हिस्सा थे, उससे पहले मुंबई का। ऐसे में उनके लिए नए सीजन में एक नई चुनौती होगी कि आखिर पंजाब जो लगातार टॉप 4 में नहीं पहुंच पा रही है, उसको कैसे आप टॉप 4 में लेकर जाएंगे या चैंपियन बनाएंगे, एक बड़ा कॉल उनके पास रहेगा। राजस्थान में हमने देखा कि राहुल द्रविड़ जुट चुके हैं, तो देखना पड़ेगा बाकी की क्या चीजें होती है। लेकिन जैसे ही और अधिक अपडेट आएंगी आप तक जानकारी लेकर आऊंगा। फिलहाल ये आईपीएल को लेकर जानकारी थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।